बहुत कुछ करने के बाद लोग आखिरकार यहीं पहुंचते हैं, यहीं पे लोगों की मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनी करने से माय वीडियो मतलब आई रियली सो मच मिस सीट एंड आई रियली एंजॉय स्पेंडिंग। तो भाई अभी हम जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट दिखाते हैं, और भी बढ़िया दिखाते हैं मणिकर्णिका घाट। यहाँ आने के बाद आदमी को मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष वो दिखाते हैं। बहुत सारे यहाँ पे श्मशान हैं, बहुत सारे हमेशा जब मणिकर्णिका द्वार देखिए, लोग शांति प्राप्त करने जा रहे हैं मरने के बाद। हम जा रहे थे मणिकर्णिका घाट, वहाँ लस्सी बोलो लस्सी भंडार शॉप ठीक पीता है, सुना यहाँ का बहुत मस्त लस्सी फेमस लस्सी। तो अभी आ चुके हैं बुलू लस्सी भंडार में पीने के लिए, यहाँ इसका सबसे पुराना लस्सी भंडार है। और यहाँ हम देख के तो चौकी है, जो जो पी के गए ना सबका चित्र है इस तरह। और यहाँ पे हमारी लस्सी बन रही है, सबसे पुराना बनारस की सबसे पुरानी लस्सी भंडार, पीते हैं हम, टेस्ट लेते हैं, देख बताते हैं फिर कैसा है आपको। ड्राई फ्रूट लस्सी मेरा आ चुका है, एक लस्सी इधर आ चुका है, खाते हैं इसको। मस्त ड्राई फ्रूट लस्सी है, जैसे सुने तो वैसा ही है, बहुत बढ़िया। इसमें इतना ड्राई फ्रूट डाला हुआ है ना, बहुत अच्छा लगा। फिर ड्राई फ्रूट कनिका घाट, ये रास्ते में मिले चाय वाले, उनके पास बहुत सारा आता है विदेशी चाय पीने। रशियन में है, स्पेन का लैंग्वेज, स्पेन में, ये तो इंडियन लग रहा है, पुर्तगाल का है, पुर्तगाल। इतना जगह का इनके पास आता है चाय पीने के लिए, देखिए एक बैठे हुए भी हम विदेशी हैं। मस्त चाय पिलाते हैं कि सबको घुमा देते हैं पूरा, अलग अलग जगह से आपके यहाँ चाय पीना आता सब ना, अरे घूम झूम भी रहा है। आप कौन सा चाय पी लिए, हिंदी नहीं जानते क्या, हिंदी नहीं जानते क्या? हम लोग भी चाय बनवा रहे हैं ताकि इनके जैसा झूम सके, कि देखते हैं कौन सा चाय में ऐसा जादू है कि विदेशी लोग आके झूम रहे हैं। कभी बंदा शंकर बाबा इनका नाम है, चाय का इंतजार हम लोग कभी है। हाँ हेलो हेलो, हाउ फील इन द वाराणसी, हाउ फील इन द वाराणसी, आई रियली एंजॉय, आई रियली सो मच लव दिस सीजन, से माय वीडियो मतलब आई रियली सो मच दिस लव दिस सीजन एंड आई रियली एंजॉय स्पेंडिंग। बोल रहे बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ वाराणसी में, रियली एंजॉय, मेरा झूम भी रहे हैं, बहुत मजा। और हम देख ही रहे हैं, तो अभी जस्ट हम लोग चाय पी के आए और पूछ के भी आए विदेशी महिला रसिया के थी, क्या सब फील हो रहा है भाई। अब तो हम मुझे लग रहा है ना कि मुझे भी इंग्लिश सीखनी चाहिए, अब तो पक्का अब हम टाइम पूरा सीखे इंग्लिश आज से ही स्टार्ट कर देते हैं, कुछ ना कुछ नया नया वर्ड सीखने का इंग्लिश में। चलिए अभी हम लोग मणिकर्णिका घाट चलने वाले हैं, उसके बाद आपको मणिकर्णिका घाट, यही है मणिकर्णिका घाट जो आपको दिख रही है। लोगों की मोक्ष की प्राप्ति यहीं पे होता है, कितना भी लोग कुछ भी कर ले, पाप करे पुण्य करे, लेकिन लास्ट में सबको यहीं आना है, यहीं पे थी होना है। मणिकर्णिका घाट है और भी बहुत तो अभी पहुंचे हैं मणिकर्णिका घाट, जो कि पीछे देखिए बहुत सारे लोग की श्मशान है, बहुत सारे लोग जल रहे हैं, मतलब बहुत कुछ करने के बाद लोग आखिरकार यहीं पहुंचते हैं, यहीं पे लोगों की मोक्ष की प्राप्ति होती है मणिकर्णिका घाट। आप देख भी पा रहे होंगे किस तरह से बहुत सारे लोग हमेशा श्मशान में चलते रहते हैं, बहुत सारे लोग पूरा देखा जाए तो देखिए पूरा, मतलब जितना दिख रहा है ऊपर छत पे नीचे ऊपर पूरे में जलते रहते हैं। अभी तो बहुत कम है दिख रहा है आपको, एक नज़र आपको फिर से दिखाते हैं। ये रहा देखिए लोग कैसे लोग, मिल
लकड़ियों की भीड़ लगी हुई है, बहुत भीड़। तो ये लोगों को ठीक करने के लिए श्मशान घाट में, और ये है मणिकर्णिका घाट का व्यू। मणिकर्णिका घाट तो यही नीचे बाबा थे सब, तो हम लोग ये मसान घाट है, बाबा यहाँ का है। बाहर मणिकर्णिका घाट के दर्शन कर लिए भोलेनाथ से। मणिकर्णिका घाट यही है, हम लोग पूरा घूम रहे हैं घाट। यहाँ आके पूरा ब्लैंक हो गए, कुछ बोल ही नहीं पा रहे कि बोले क्या। अभी जस्ट मणिकर्णिका घाट घूम के और ब्लैंक हो गए कि यार जीवन है क्या आखिर, दो चार दिन का। मतलब बहुत सारे लोग देख रहे थे, पूरा जल रहा था, क्या बताएं आपको, कोई वर्ड ही नहीं मेरे पास है बताने के लिए। आपको दिखा देते हैं कि कैसे सब बहुत सारा चीज हो रहा है, बहुत सारे लोग कैसे बैकग्राउंड में भी अभी देख सकते हो, उधर पीछे ब्लैंक हो गए, फुल्ली ब्लैंक। आदमी यही जीवन सब ही आके जल जाता है, और इसी के बाद छोटा छोटा बात के लिए आदमी लड़ते रहता, बहुत सारा बहुत ज़्यादा लड़ता रहता। जीवन है कुछ कुछ भी नहीं।